गाइस अब हम देखते हैं कि पार्सल में है क्या लाइफ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं 10 मिनट लेट हो गई हूँ सैलून आने में। सबसे पहले सैलून ओपन मैं ही करती हूँ ना। जैसे ही मैं सैलून आती हूँ तो मुझे बाहर राइडर खड़ा होता है और मुझे पार्सल रिसीव होता है। और यू कैन सी, अब देखते हैं उसमें क्या है पार्सल में। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या है उसमें। और मरियम ऑर्डर करती रहती है बस ना, जब देखो मरियम ऑर्डर कर देती है। और हमेशा सैलून मैं ही ओपन करती हूँ तो वो मुझे ही राइडर पार्सल रिसीव होता है। सो गाइज, अब मैं चेक करूंगी पार्सल में है क्या। मुझे पार्सल हैवी हैवी बहुत लग रहा है। हम देखते हैं ये इतना मोटा पार्सल रिसीव हुआ है, इसमें है क्या। क्योंकि मरियम अक्सर ऐसा होता है, मरियम कुछ भी मंगाती है तो दो चीज़ें मंगा रही होती हैं, यानी वो अपनी बहन को नहीं भूलती, बहन के लिए लाजमी मंगाती है। आप लोगों की भी सिस्टर ऐसी ही करती होंगी, आप लोगों के लिए भी मंगवाती होंगी। भाई मेरी बहन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सोच रही होती है। और अब लाइक इसमें है क्या, और ये मुझे काफ़ी हैवी हैवी लग रहा है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। Okay. ये नाइट ड्रेस मरियम कुछ भी ऑर्डर करती हैं तो मेरे लिए भी लाजमी करती हैं। और सिस्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की सिस्टर्स भी आप लोगों को इसी तरीके से अहमियत देती होंगी। और मेरी जितने गिफ्ट हैं ना मरियम अपने लिए भी मंगाती हैं और मेरे लिए भी मंगवाती हैं। तो मरियम ये मेरा है, ये किसके लिए ऑर्डर करा था तुमने? हाँ ये आपका ही है। देखें स्टफ भी बहुत प्यारा है, इतना सॉफ्ट स्टफ है इसका। जी मरियम बताओ। या ये मैंने अपने लिए भी मंगाना था तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए मंगाऊं। और ये टैक्सी कि ये जो है ये महिला कह रही थी ये आनी पे बहुत भूल लगने वाला है तो ये आप आनी के लिए मंगाएं। थैंक यू। तो और मेरा भी दिखा दो। थैंक यू सो मच। ये होता है बहन होने का फायदा ना, बहन होने का फायदा ही ये है। और ये तो वैसे हम शॉपिंग में भी जाते हैं तो मरियम पहले अपने बच्चों से पहले मेरे बेटे का सोच रही होती है। फैजा नहीं, आरएस के लिए देखो, आरएस के लिए लो। ये तुम्हारा भी बहुत कूल लग रहा है कलर मरियम, बहुत प्यारा है। देखो लगा के कैसा लग रहा है, सॉफ्ट बहुत है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। नाइट वियर है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। और ये मेरी चाय आ गई है, कुल्चा भी आ गया है, बिस्किट्स हैं, चिप्स वगैरह। ट्रैवलिंग होती रहती है, जब सैलून में फ्री बैठो ना तो बस दिल करता है कुछ ना कुछ खाते रहे हम लोग ना। मरियम आपने कुछ मंगाया? आपने नहीं है यार, मैंने बस लेस मंगाई थी क्योंकि तुम लोगों ने मुझे खिला खिला के ना बहुत मोटा कर दिया है और अब मैं नहीं जा रही। नहीं, जिम ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करो तुम ना, ग्रीन टी वगैरह पिया करो, सेट हो जाओगी। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मरियम, थैंक यू सो मच। यार अब मेरी चाय ठंडी हो रही है मरियम, बिल्कुल ठंडी की चाय पी रही। गर्म करवाओ, ठंडी हो रही है बिल्कुल ना। पी लो कुछ खाना, पहले ये रख दूं साइड में फिर कुछ खाती हूँ मैं। अच्छा फैब्रिक है यार, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, आप लोग भी ट्राई करिएगा, मंगवा के देखें। यार ये हमने जो मंगवाया है मरियम परवेज का लिंक था, उन्होंने लिंक शेयर करा था कॉम्फी नाइट के नाम से। तो मैं दिखाते हुए चलूँ आपको, इस स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो इस वेब से मंगाया, वैसे मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। ये हमने मंगवाया है, बहुत अच्छा फैब्रिक है। इसके अलावा डिजाइन भी ना बहुत कूल डिजाइन थे, मैंने अभी दिखाई है। तो समर के हिसाब से बहुत अच्छा डिजाइन वगैरह था, बहुत मतलब अच्छा लगा कि नहीं मजे का है। तो पहन के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह कि कैसा है, फैब्रिक वगैरह चेक करते हैं। वो ये तो है कि वॉश के बाद ही पता चलेगा कि इसका स्टफ कैसा है। सो गाइस, अब आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ड्रेस कैसा लगा, हमारा कलर्स कैसे हमने चूज करे मरियम ने। और मरियम ये चाय बिल्कुल बहुत अजीब लग रही है, ये तुम प्लीज़ बाजी से बोलो ये रख दें। और मुझे जूस, मैंने आज आते ही जूस बनाया था अपने लिए, तो मैंगो शेक लेकर आए, आपके लिए बनवाया मैंने। पी लिया करो, अपनी डाइट का ख्याल रखो।
यार ये दिखने दिखने में मोटी है बस ना, तब से आजकल बोल रहे हैं यार तुम मोटी हो रही हो, तो अपना डाइटिंग कर रही है, ये खाती वाती कुछ नहीं है, आती ब्रश उठाती है, लोगों का मेकअप करना शुरू कर देती है, जबकि क्लाइंट्स भी इनसे बोल रहे होते हैं आप सारा दिन खड़ी रहती हैं अपनी डाइट का ख्याल रखा करें, लेकिन ये नहीं रखती लड़की, ये लड़की नहीं रखती। अभी थोड़ा सा टाइम है तो अभी हमें टाइम है, हम फ्री बैठे हुए ना, तो ये ब्लॉगिंग का भूत भी हमें सीलियां चढ़ा है, फ्री थे तभी थोड़ा सा कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाएं, फिर सीखने को मिलेगा आप लोगों को। हाँ, ये बाजी है और ये मेरे लिए जूस लेकर आई है, फेवरेट बाजी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है, थैंक यू बाजी। कैसा लगा मरियम आपको मैंगो शेक? अच्छा है, मैंने आते ही तुम्हारे लिए भी बनाया, अपने लिए भी बनाया, देखो बेटा। और तुम्हारा शाम का क्या प्लान है? जहाँ आप ले जाए मुझे बच्चों को भी बुलवा लेंगे, साथ चलेंगे, बच्चों की वेकेशन पड़ गई है, बच्चों को लेके जाओ हर जगह ना। हाँ, साथ साथ जगह हर जगह लटकाते फिरूँ ना मैं, है बोलती है मैं सुकून लेने जाती हूँ, तुम बच्चों को साथ ले लेती हो, बच्चे ची ची इतनी फाइटिंग होती है हमारे दोनों बेटों में, इसका जो बेटा है वो मेरा जो बेटा है ना उनकी बनती नहीं है, दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, जो हमारा थोड़ा बहुत सुकून होता है ना, हम कहीं जाके थोड़ा सुकून लें तो उनके दोनों की लड़ाई की वजह से ना बर्बाद हो जाता है, और बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे हम यही बोलते रहते हैं यार यहाँ बैठ जाओ, ये कर लो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, यही होता है। तो फिर आज का यानी अपन दोनों का डिनर है, देख लो अगर तुम्हें लेना है बच्चे ले लो। जी तो व्यूअर्स, अब मैं देखती हूँ, मरियम तो चले गई है बाहर, और मैं भी देखती हूँ, मैं वर्कर्स को लगा कर आई थी काम पे, मैंने कहा हेयर स्टाइलिंग की प्रैक्टिस करो, हम लोग अपनी ही वर्कर अपनी ही सीखी हुई वर्कर्स को रख रहे होते हैं ताकि हमें सीजन पे प्रॉब्लम नहीं हो, तो मैंने कहा आप लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से हेयरडू की, और तो देखती हूँ मैं ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं, कैसे हेयर स्टाइलिंग बना रही हैं। जी तो व्यूअर्स, आप लोगों को वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस आसानी से मिल सकें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।